दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि डिजिटल माइक को हम आसानी से कैसे रिप्लेस करते हैं बिना ख़राब किए। तो पहले आपको ही सेट कर लेना है 330 और ईयर आपको करनी है 2 पे, 2 या 3 भी कर सकते हैं आप। उसके बाद हम इस पर हीट मारेंगे, आपको थोड़ा हिलाते रहना है जिससे हीट एक जगह न लेने से माइक ख़राब हो जाएगा। तो माइक निकल गया, हम इसको थोड़ा साफ़ करेंगे, अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। वैसे जब आप पुराना माइक निकालेंगे तो वैसे ख़राब होगा तभी आप निकालेंगे। तो मार्केट से जो माइक आते हैं उस पर हल्की हीट लगाने से भी ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। अभी तो थोड़ा PPT पेस्ट यूज़ करेंगे जिससे इसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तो काम आपका अच्छा होगा। PPT लगाने से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो सोल्ड होने में आसानी हो जाती है। तो PPT पेस्ट का यूज सही तरीके से करना सीख लीजिए आप। इसे पूरा मेल्ट कर देते हैं और फिर हम इसे डिसोल्डिंग वायर लेंगे, उसको रोज़ में भिगो लेना है और उसके बाद हम इसे बढ़िया से साफ़ कर लेंगे। अगर हम PPT पेस्ट नहीं लगाते तो हो सकता है आपका सोल्डर कम गर्म हो तो उसमें चिपक जाता है। PPT लगाने से टेम्परेचर कम हो जाता है। अभी सब अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को नया मिलेगा। आप अच्छी तरह से वॉश करेंगे, उसके बाद हम इस पे पेस्ट अप्लाई करेंगे। PPT पेस्ट हल्का हल्का लगा के और इसे सोल्ड कर लेंगे, अच्छी तरह से सोल्ड कर लेंगे। ज़्यादा PPT इस बार दोबारा नहीं अप्लाई करनी है, हल्का ही करनी है, बढ़िया से सोल्ड करेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारा हौसला बढ़ता है आगे वीडियो बनाने के लिए। पेस्ट अप्लाई करते हैं। पेस्ट आप अपने हिसाब से अप्लाई करें, ज़्यादा पेस्ट ना अप्लाई करें कि पेस्ट अगर माइक में फैल जाएगा तो माइक ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि पेस्ट कम ही यूज करें, अपने हिसाब से इतना यूज करें कि माइक में पेस्ट लगे ना, मतलब अंदर ना जाए, बस इतना ध्यान रखें। नहीं तो माइक बहुत जल्दी ख़राब होता है, ख़ासकर जो मार्केट से आते हैं वो तो और भी जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि इस पर हल्की सी हीट अगर लगी तो ख़राब हो जाएगा। अगर पेस्ट अंदर गया तो अभी हम इसे भी थोड़ा थोड़ा PPT लगा के सोल्ड कर लेंगे। इस पर सोल्डर बहुत देर तक आपको नहीं लग रखना है, इतना ध्यान रखें और पेस्ट अंदर ना जाए। दोस्तों देखिए ये बहुत अच्छी तरह सोल्ड हो गया है, अब हम इसको रखेंगे। आपको हीट 330 340 50 तक कर सकते हैं और एयर को भी उतने 2-3 पे रखना है। तो लेकिन आपको ध्यान एक बात रखना है, आपको SMD की जो नोज है इसको लगातार हिलाते रहना है, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है एक ही जगह पे न लगते हुए बराबर जगह पर रहेगा, जिससे ख़राब नहीं होगा माइक। तो हिला के चेक करेंगे, अगर बैठ जाता तो एक जगह पे हल्का सा हिल जाएगा, बैठा नहीं है, हिल रहा है। मैं इसे उठा के एक बार दोबारा लगाता हूँ। तो जब लग जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, आप जब हिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा माइक लग गया। हम इसको वॉश करेंगे, थोड़ा ही ठंडा होने देते हैं, उसके बाद वॉश करते हैं। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। दोस्तों काम में सफाई बहुत ज़रूरी होती है, जिसे अगर आप कस्टमर कहीं और भी दिखाता है तो उसको नहीं पता लगेगा कि क्या, पता नहीं लगना चाहिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या काम हुआ है।
तो उसका में सफाई जरूर रखें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखिए माइक बहुत अच्छा लगा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ऐसी नई नई वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।